सौर भारत और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बताते चले कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, तमाम पार्टियां कमर कस चुकी है अपनी तैयारी करने में। क्या रणनीति होगी, क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारी टीम आ पहुंची है अरवल जिला के कुर्था विधानसभा। जब पिछले 2015 में आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन में आरजेडी के जेडीयू के खाते में ये सीट गई थी, पर लेकिन इस बार स्थितियां अलग है, आरजेडी जेडीयू अलग है। गठबंधन के खाते में अगर ये सीट जाती है तो कौन चुनाव प्रत्याशी होंगे ये अपने आप में एक बड़ी बात है। पर लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र सिंह यादव, आइए हम उनसे बात करते हैं इस क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं और उनके क्या कुछ मुद्दे होंगे जनता के बीच वो जब जाएंगे। सर सबसे पहले स्वागत है सर आपको। धन्यवाद सर। क्या कुछ समस्या है कुर्था विधानसभा क्षेत्र में? कुर्था यानी अरवल जिला का एक पिछड़ा हुआ विधानसभा का क्षेत्र है, कई वर्षों तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा, प्रतिबंधित जातिवादी कुछ पार्टी के लोग भी, उनका वर्चस्व कायम रहा अरवल जिला पे। 2015 में भी हम विधानसभा का चुनाव लड़े थे, कुर्था के जनता के आशीर्वाद से हम लोगों ने त्रिकोणीय लड़ाई लड़ा। तीसरे नंबर का जनादेश जनता ने मुझे, कुर्था की जनता ने यहाँ दिया। जनता की समस्याओं के लिए, चाहे कोरोना महामारी आज है सारे लोगों को मालूम है, जब यहाँ मजदूर आ रहे थे सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं थी तो क्वारंटाइन करने की भी जरूरत हुई तो अपने साधन से क्वारंटाइन किया, दिवालिया सरकार थी। कुर्था विधानसभा से आप पिछली बार भी विधानसभा चुनाव लड़े थे 2015 में, तीसरे नंबर पर आपके पैदान में आए थे, 10,000 करीब वोट थे। यहाँ से आप दो बार चेयरमैन में भी बने हुए हैं, अभी भी प्रेजेंट वर्तमान में भी चेयरमैन हैं आप, जनता का आशीर्वाद है आपके साथ, तो इस बार का क्या कुछ रणनीति है? नहीं, जनता ने आशीर्वाद दिया और आज भी जनता ने आदेश दिया है कि आप चुनाव मैदान में आइए। आज भी कोई कुर्था में चुनाव मजबूती से लड़ने वाला व्यक्ति नहीं है, कुर्था की समस्या के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं है। आज भी हम 2020 में भी कमर कस करके तैयार हैं और फिरकाप्रस्त तख्तियाँ। सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे, मैं तीन नंबर पर रहा या चुनाव हार गया उसकी चिंता नहीं है, चिंता इस बात के लिए है कि जिस वसूल के साथ आज जहां अंतिम आखिरी प्रकाष्ठा पर है जातिवाद, लेकिन आज भी मैं कहता हूं महागठबंधन के उम्मीदवार जब सदयो जी आए थे तो हम जिस वर्ग से जिस जाति से आते हैं उस सोसाइटी के लोगों ने मुझे पीछे करके सदयो जी को वोट देने का काम किया था। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि सदयो जी ने जो मेरे समाज, वो समाज में जाति नहीं बोल रहा हूं, ये पूरी सोसाइटी के लोगों ने विश्वास किया था, महागठबंधन के लोगों ने वोट देकर के पटना भेजा था, महागठबंधन की सरकार के लिए दिया था वोट, लेकिन उस जनादेश को इन्होंने अफर्म करने का काम किया और जाकर बीजेपी के साथ चले गए। तो हम आज भी, मैं कहता हूं हम कल भी जहां खड़े थे आज भी वहां खड़े हैं, तो यही मैं संदेश कहता हूं कि हम आज भी कोई बदलाव में नहीं हैं। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, जिसका प्रमाण है कि मुंबई के चांद सितारा और मुंबई के चकाचौंध नगरी में जहां हम रहा करते थे, लेकिन फिर भी हमने कुर्था को, याद को नहीं भूला। आज भी मुझे कुर्था ही मेरे जहन में, जहनी तौर पर, नहीं तो मुंबई में होना चाहिए था मुझे। मुंबई ने मुझे क्या नहीं दिया, मुंबई ने जो दिया मैं उसको मैं भूल नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो आशा मुझे अपने लोगों से है, अपने कुर्था से है, अपने समाज के लोगों से है, वो मुंबई के लिए मेरे अंदर नहीं हो सकता है। तो आज भी हम मजबूती के साथ खड़े हैं और मैं मुंबई का तो बात छोड़ दीजिए, मैं कुर्था का बेटा बनकर, मैं कुर्था का नेता बनकर, मैं कुर्था के जनता का सवाल सोल्यूशन के लिए, समाधान के लिए काम करना चाहता हूं। ये हिम्मत और ताकत होनी चाहिए कि अपनी मुख्यमंत्री से आंखें में आंखें डालकर बात करें, आंखें में आंखें बात जाकर बात करें मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जी जनता के जनादेश आपके साथ जुड़ा हुआ है तब आपकी सरकारें बनी है, हमारी क्षेत्र विकास नहीं है, और इसमें खासकर हमारे विधायक जो सदयोग जी है वो कुछ दूर हैं, कभी न आंखें मिलाए, आंखें चुराकर भी बातें नहीं कर पाए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। उनकी हिम्मत नहीं है कि कुर्था के लिए बात करें, ये कहते हैं हम पुलिया बाबा है। आप कहा कि पुलिया बाबा है, आप मुझे बताइए, आप डिबेट कराइए विधायक जी से कि आप अगर पुलिया बाबा होते तो आप अगर बगल के गोह में पुल नहीं बनता, आप पुलिया बाबा होते तो पट्टा जिला का पुल नहीं बनता, आप पुलिया बाबा होते तो ओबरा से लेके अरवल तक का पुल नहीं बनता, आप अगर पुलिया बाबा होते तो अरवल से लेके ये पट्टा तक जो ये सुन गई वहां तक पुल नहीं बनता। यानी जितना बिहार में पुल बनता है वो सारे पुल बनने का अकेला कुर्था का विधायक का श्रेय बन जाता है, अपने आप को कह देते हैं कि हम पुलिया बाबा हैं। इसलिए मैं कहता हूं आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि 10 साल में आपने जवान नहीं खोला, 10 साल में आप खोलेंगे भी क्या हमारे विधायक को? तो आज भी मैं कहता हूं कि समस्या ही नहीं मालूम है। अगर हमारे विधायक को समस्या मालूम होता तो जगदेव बाबू का सपना था,
जगदेव बाबू ने कहा था कि पुनपुन बांध बनाएंगे, मछली बात खिलाएंगे, पुनपुन में बांध बंदी, लेकिन वो भी पानी जिस तरह से नीतीश जी ने 2015 के महागठबंधन के जनादेश को अपहरण किया और अपहरण करके बीजेपी के जाकर के मोहन भागवत के गोद में बैठ गया, आज वही अपहरण नीतीश कुमार जी सदेव जी के माध्यम से करा रहे हैं। सदेव जी कुर्था के विधायक हैं, लेकिन पानी यहां निकला, डैम यहां बना, कुर्था को अरवल को देने के लिए बना, और इस पानी को किडनैप करके अपहरण करके नालंदा में ले जाने की कोशिश हो रही है, और उस पर हमारे विधायक जी चुपचाप मौन मौत के बैठे हैं। जनता थोड़ी माफ करेगी उनको। इस बार के चुनाव में क्या बिहारी मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो बिहार के बड़े मुद्दे हैं, या फिर क्षेत्रीय मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा? हम बहुत छोटे आदमी हैं और हम बड़े नेता नहीं हैं। बड़े मामला को उठाने के लिए हमारे महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी, शरद यादव जी, वो प्रयास कर रहे हैं, सारी बात को ला रहे हैं। आज स्थिति आप कह रहे हैं मुद्दे की बात, तो हम मुद्दे पर आपको बात करना चाहेंगे पत्रकार साहब, कि आप आज देख रहे हैं कि हम आज किस स्थिति में हैं। डर है, दहशत है, भय का वातावरण है। जो बीजेपी आज सरकार में है, बीजेपी के आधे दर्जन मंत्री और आला अधिकारी आज क्वारंटाइन में है। बिहार के कई मंत्री, कई MLA, कई विधान परिषद के सदस्य चले गए, कई सिविल सर्जन चले गए। आज बिहार को रक्षा करने की जहां जरूरत है, आज तो हम भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हम भी कहते हैं कि चुनाव कराइए, मैं मैदान में जाना चाहता हूं, लेकिन आज भी मैं कहता हूं कि चुनाव से ज्यादा बिहार के 11 करोड़ जनता को सुरक्षा का सवाल है। हम बिहार के 11 करोड़ जनता के पहले स्वास्थ्य की सुरक्षा पर खड़े रहना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को भी मैं कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी आप भी अपना जो चश्मा लगाए हैं और जो आपकी नजरिया सोचने का है, काम करने का है, उसको बदलिए। आपको लगता है कि ये 10 किलो राशन दे देने से, 10 किलो राशन का आपको PDS का दे देने से लगता है कि वोट हमारे खाते में चला जाएगा, तो इस गफलत में नहीं रहे, इस भूल नहीं करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। ये जो चाह रहे हैं कि हमको सत्ता मिल जाएगा 1000 खाते में आने से, तो इनको मालूम होना चाहिए, वो सारा देश की जनता है, जानती है कि 1000 उनके पापा का पैसा नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के घर का पैसा नहीं है, इस देश के खजाने में यही देश की गरीब का जनता दवा लेकर, कपड़ा लेकर, मोबाइल लेकर, खाद लेकर, बीज लेकर, GST, टैक्स, सेस जमा करता है, और उन्हीं पैसे को आप 1000 खाते में डाल करके भुनाना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, तो ये गफलत में नहीं रहे। जनता माफ नहीं करेगी। जिनके बेटे, जिनकी बेटियां क्वारंटाइन है, जिनके बच्चे आज भी दवा के लिए तड़प रहे हैं, कोरोना में इलाज के लिए तड़प रहे हैं, हम आज भी निषेध करते हैं इस चुनाव को, कि पहले जनता रहेगी, जब समाज बचेगा, देश बचेगा, लोग बचेगा, तो बहुत सारे हम चुनाव का सामना करेंगे। थे हमारे साथ राजेंद्र सिंह यादव, जो बता रहे थे इस बार कुर्था में क्या कुछ उनके मुद्दे होंगे, क्या कुछ रणनीति होगी जनता के बीच। मुंबई के चकाचौंध से होकर वो पटना की धरती और अरवल जिला के कुर्था विधानसभा के रहने वाले हैं, यहां आकर उन्होंने किस तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से चेयरमैन भी है यहां से, उनके घर से। अब 2020 का चुनाव है, तो 20 के चुनाव में कमर कस चुके हैं। जनता का सेवा करने के लिए जनता जनार्दन होती है, जनता अर्श पर उठाती है और जनता फर्श पर लाती है, तो जनता से इनकी काफी उम्मीदें हैं, तो जनता ही इसकी मालिक होंगी इस बार के चुनाव में। अपने सहयोगी विश्वनाथ के साथ मैं हूं अमित खत्री, सौर भारत न्यूज पटना। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।